नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल टेक में गुरुजी में। फ्रेंड्स, बहुत दिन बाद आप देखते हैं दोस्तों, दो तीन दिन से मेरी कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। फ्रेंड्स, मैं कुछ काम से बाहर गया था दिल्ली में दोस्तों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपका ये दोस्तों हो सकता है, जिसमें हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के दोस्तों डीवी के पूरे प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं इसी के सिलसिले में ग्रुप डी का दोस्तों मेरा एक फ्रेंड था जिसका सिलेक्शन हुआ है दोस्तों, जिसका नाम दोस्तों मेरिट लिस्ट में आ चुकी थी, उसके दोस्तों डीवी था। तो उसने दोस्तों मुझसे बोला कि अगर आपको चलना है मेरे साथ चलिए, वहाँ डीवी का पूरा प्रोसेस आप देख के दोस्तों वीडियो अपलोड कर दीजिएगा, ताकि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके सब्सक्राइबर हैं, उन तक रियल जो प्रोसेस हो रही है डीवी का, सब कुछ वो लोग जान सकें। तो फ्रेंड्स, आप ही लोगों के लिए मैं गया था दिल्ली, इस समय दो तीन दिन से मेरी कोई वीडियो नहीं अपलोड हो पाई थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखिए सब कुछ बात करेंगे दोस्तों, आपको देखा हाल बताऊंगा आप सभी को सर्वे के अनुसार, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज कौन से हैं, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, और दोस्तों इसके अलावा डीवी और मेडिकल का साथ में हो रहा है या बाद में हो रहा है, सब कुछ दोस्तों यहाँ पे जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं दिल्ली के बारे में। तो दोस्तों आपको पता होगा चंडीगढ़ जोन का दोस्तों आपका डिवीज़न पड़ता है दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, जो मेरा कैंडिडेट है जिसका आपका डीवी के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ, वो बिलोंग करता है चंडीगढ़ जोन से, और फ्रेंड्स उसका डीवी आपका दिल्ली में हुआ है। तो फ्रेंड्स, उसका पहले हम बात करते हैं तो नॉर्दर्न, आपको पता होगा दिल्ली में दोस्तों दो स्टेशन है, नई दिल्ली पुरानी दिल्ली। तो फ्रेंड्स, नई दिल्ली में उसका सबसे पहले डीवी का प्रोसेस हुआ, फिर पुरानी दिल्ली में दोस्तों पीली कोठी के पास आपका रेलवे का हॉस्पिटल है जो आपका मेडिकल करवाती है। तो फ्रेंड्स, हम पूरी बात करते हैं, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको डीवी बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, ये आपका 30 तारीख का है, 30 अप्रैल का, जो कि डीवी का डेट था फ्रेंड्स यहाँ पे आपके जो दिल्ली में था। तो फ्रेंड्स, हम लोग दिल्ली पहुँच चुके थे, और फिर वहाँ पे दोस्तों मैंने देखा कि डीवी के लिए जो हम लोग पहुँचे डीआरएम ऑफिस पे, तो वहाँ पर जो आपका डीवी का पूरा प्रोसेस हो रहा है वो टोटली दोस्तों हैंड ओवर किया गया है टीसीएस को, और दोस्तों वो टीसीएस पूरा आपका करवा रही है। वहाँ पे जितने भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर थे सब डीजीएलएम के थे, आपको पता होगा डीजीएलएम दोस्तों इसी का ऑफिशियल वेबसाइट है आपका टीसीएस का। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे हमने क्या देखा, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपसे मैंने दोस्तों लेके आता हूँ, सबसे पहले क्या करना होगा। तो फ्रेंड्स, आपको अपने डीआरएम ऑफिस जो कि आपको एड्रेस मिला होगा दोस्तों, वहाँ पे आपको जाना होगा अपने वीन्यू पे जहाँ पर डीवी होने वाला है। और फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको एक दोस्तों ब्लैंक पेपर मिलेगा, जो कि रेलवे के द्वारा होगा, जिस रेलवे जोन से आप बिलोंग करते हैं वो ब्लैंक पेपर होगा, वहाँ ऊपर दोस्तों उसका नाम लिखा होगा। वहाँ पर फ्रेंड्स आपको अपना नाम के साथ साथ फ्रेंड्स आपका फादर नेम और दोस्तों डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब दोस्तों फादर नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, ये दोस्तों इंटर करना होगा। इसके अलावा आपके पूरी बॉडी में दोस्तों कोई ऐसे दो निशान होने चाहिए जिसको हम जानते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बोलते हैं, वो आपको दोस्तों वहाँ पे लिखने होंगे। इसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे खड़े रहना होगा, आपका जब सीएल नाम नंबर दोस्तों बुलाया जाएगा, आपका नाम वहाँ पर दोस्तों कॉल किया जाएगा, तो आपको जाना होगा अंदर डीवी के लिए। फिर वहाँ पे दोस्तों आपका बायोमेट्रिक सबसे पहले होगा, वहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले आपका यही काम होगा कि आपका अटेंडेंस लगाई जाएगी बायोमेट्रिक के द्वारा, बायोमेट्रिक थ्रू दोस्तों आपका अटेंडेंस हो जाएगा। इसके बाद आप जाएंगे अंदर डीवी के प्रोसेस के लिए, वहाँ पर दोस्तों आपका बेंच लगा होगा जहाँ पे आपको बैठना होगा, और ढेर सारे एम्प्लॉई होंगे जो कि टीसीएस के ही होंगे, जो आपका पूरा डीवी का प्रोसेस वहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका कैंडिडेट्स था, इसका जो आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पे लगा है, मैं दोस्तों अंदर गया हुआ था, वहाँ पे मैंने देखा कि जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो था आपका कॉल लेटर। सबसे पहले दोस्तों वो चेक करते थे आपका ऑफर लेटर, जो आपका एडमिट कार्ड आया हुआ है डीवी के प्रोसेस के लिए, सबसे पहले वो देखा जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपने जो सीबीटी एग्ज़ाम दे रखा है, जो सीबीटी आपने एग्ज़ाम दिया है उसका जो एडमिट कार्ड का हाफ पोर्शन आपको मिला हुआ था, हाफ लोअर पोर्शन, वो वहाँ पे चेक करते थे दोस्तों। अगर उसका पास प्रिंट आउट नहीं है, मतलब आपके पास ओरिजिनल नहीं है जो आपको मिला हुआ था, तो उसका फोटो कापी दोस्तों वहाँ पे चल रहा था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। तो फ्रेंड्स, ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा। इसके बाद दोस्तों वो देखते थे आपका हाई स्कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, ये दोस्तों दोनों आपका अप्रूव वहाँ पे किया जाएगा, चेक किया जाएगा पूरा बकायदा, एक एक नाम एक एक स्पेलिंग सब कुछ दोस्तों मैच करवाते हैं वो। तो दोस्तों ये आपका नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा आपका हाई स्कूल। इसके बाद दोस्तों अगर आप इसके पास इसके समकक्ष या इससे ऊपर कोई डिग्री आपके पास, मान लीजिए इंटरमीडिएट आपने कर रखा है या बीए बीएससी कर रखा है, तो वो भी आप वहाँ पे दिखा सकते हैं, आईटीआई कर रखा है तो वो भी आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपका दोस्तों है कास्ट सर्टिफिकेट। इसके बाद सबसे दोस्तों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो आपका कास्ट का है, क्योंकि दोस्तों कुछ छूट मिल रही है, जो आपका रिजर्वेशन मिल रहा है वो कास्ट सर्टिफिकेट के द्वारा ही मिल रहा है। तो इसलिए एससी एसटी ओबीसी दोस्तों जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो बनवा लें। और दोस्तों रेलवे फॉर्मेट कोई ज़रूरी नहीं है, जो आपका सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट कास्ट है वही वहाँ पर देखा गया है, इसके अलावा कोई फॉर्मेट। मेरे पास दोनों सर्टिफिकेट थे, कास्ट के सेंट्रल का भी बना हुआ था, रेलवे का भी बना हुआ था, लेकिन दोस्तों वहाँ पर केवल आपका सेंट्रल वाला देखा गया। और अगर दोस्तों आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं तो आपके रेलवे के फॉर्मेट में दोस्तों आपका पीडब्ल्यूबीडी का जो सर्टिफिकेट होता है वो बना होना चाहिए, वो वहाँ पर वेरीफाई किया जाता है, चेक किया जाता है। और अगर आप जनरल में हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप पीडब्ल्यूबीडी से बिलोंग नहीं करते हैं, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर।
इसके बाद दोस्तों आपका कोई सर्टिफिकेट जो होगा वो आपका ओरिजिनल एक आईडी चेक करेंगे आपके वेरिफिकेशन के लिए। बस दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं चेक किया गया है जिसके बारे में मैं बताऊँ आपको। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पर मैंशन किए गए थे वो भी नहीं देखे गए। इस सब का दोस्तों उन्होंने एक कॉपी तैयार किया, एक सर्ट तैयार करवाया मुझसे और फिर वहाँ पर सेल्फ अटेस्ट करवाया। दोस्तों मेरा जो फ्रेंड था उसने उसको सेल्फ अटेस्ट कर दिया वहाँ पे सब डॉक्यूमेंट्स को। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मेडिकल के लिए 24 रुपये की स्लिप कटवाई गई। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मेडिकल के लिए 24 रुपये की स्लिप कटवाई गई और उस स्लिप के साथ आपका मेडिकल के लिए वहाँ पे पूरा डीवी वेरीफाई कर दिया गया। डीवी दोस्तों पूरा वेरीफाई करने के बाद उन्होंने बता दिया कि आपका डीवी हो चुका है। और फिर दोस्तों मुझे एक स्लिप प्रोवाइड किया गया वहाँ पर उस कैंडिडेट्स के नाम से जिसमें उसका नाम लिखा हुआ था और ये सब लिखा हुआ था कि हाँ मैंने इनकी हार्ड कॉपी रिसीव कर ली है, सब डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए। लगभग दोस्तों 3-4 स्टेज में डॉक्यूमेंट आपका वेरीफिकेशन हो रहा था। एक लोग दोस्तों वहाँ पे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर रहे थे। और दोस्तों इसके अलावा एक फॉर्म वहाँ पे प्रोवाइड किया गया था मुझे, A4 सीट थी जहाँ पर मुझे दोस्तों पोस्ट प्रायोरिटी लिखनी थी। सबसे पहले दोस्तों हमें डिवीज़न प्रायोरिटी मिली हुई थी। यहाँ पे दोस्तों 4 डिवीज़न था, 2 वर्कशॉप था। आपको जो चूज़ करना है प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग दोस्तों अपना यहाँ पे 1, 2, 3, 4 उसको कोड लिखे तो कोड आप चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फिर दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस मिल जाएगा आपको, दोस्तों ढेर सारे पोस्ट मिल जाएंगे। उस पोस्ट को आपको वहाँ पे फिलअप करना होगा लाइन वाइज, आपको सिक्वेंस में लिखना होगा। तो जो भी पोस्ट आपको पहले अच्छा लगे उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में डाल दीजिए, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह आप डाल सकते हैं। तो ये सब चूज़ करने के बाद दोस्तों आपको पूरा फॉर्म वहाँ पे सबमिट कर देना होगा, आपको एक रिसीविंग मिल जाएगा। मैं आपको दोस्तों रिसीविंग की एक कॉपी दिखा देता हूँ, क्या रिसीविंग मुझे मिला हुआ है और कैसे फिर मेडिकल प्रोसेस में हम जाएंगे इसके बारे में बात करते हैं। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये आपका पूरा फॉर्मेट है रेलवे का जो आपको मिला हुआ है रिसीविंग के तौर पर। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे तो कैंडिडेट का नाम ओम दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पेसिमेन साइन किया हुआ है, यहाँ पे मोहर लगाया हुआ है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 2 फोटो लगे हुए हैं। ये दोस्तों ये आपका पूरा फॉर्मेट दोस्तों RRC लिखा हुआ है, यहाँ पे CL नंबर लिखा हुआ है और फ्रेंड्स सब कुछ यहाँ पे देखिए पूरा लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो है वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ये सब फिलअप किया है दोस्तों वहाँ के कर्मचारियों ने, यह कोई फिलअप आपको खुद से नहीं करना है, पूरा स्लिप आपको खुद बनाएंगे। और देखिए दोस्तों यहाँ पर स्टेशन नाम लिखा हुआ है नई दिल्ली और 30 तारीख का आपका डिव्यू प्रोसेस हुआ है। और फिर दोस्तों जो यहाँ पे डिजिग्नेशन थे असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली, उनकी दोस्तों यहाँ पे हस्ताक्षर यहाँ पे साइन किए हुए हैं। अब दोस्तों ये आपका पूरा फॉर्मेट था जो आपको मिला हुआ है रिसीविंग के तौर पे, ये आपका मेडिकल के लिए जाना है लेकर इसको। फिर दोस्तों उन्होंने बताया मुझे मेडिकल के लिए, तो फ्रेंड्स डीवी के बाद ये आपका इंपॉर्टेंट स्लिप मिल गया है जिसको आप दे सकते हैं और इस स्लिप को दोस्तों लेके जाना है आपको मेडिकल के लिए। उन्होंने दोस्तों मुझे बताया कि आपका जो मेडिकल है नई दिल्ली में ना होकर पुरानी दिल्ली में, और आपका रेलवे हॉस्पिटल है दोस्तों, रेलवे हॉस्पिटल आपका पुरानी दिल्ली में पीली कोठी के पास, रेलवे हॉस्पिटल थोड़ा आगे जाएंगे चांदनी चौक मेट्रो से बाहर निकलेंगे तो उसी के आगे दोस्तों मिल जाएगा। वहाँ पर फ्रेंड्स मैं गया मेडिकल के लिए एक दिन बाद, यानी दोस्तों जिस दिन डीवी हुआ 30 तारीख को, फिर मैं 1 मई को वहाँ पर दोस्तों उसको लेकर गया, उस साथ में गया वहाँ पर। और दोस्तों मैंने वहाँ पर क्या पाया कि आपका जो रेलवे का अस्पताल है वहाँ पर दोस्तों मेडिकल के लिए सब आपके फॉर्म जो आपको स्लिप मिली हुई थी रिसीविंग की वो वहाँ पर सबमिट कर दिए गए। इसके बाद फ्रेंड्स वहाँ पर क्या हो रहा था कि एक दिन में 10 से 20 लोगों का केवल वहाँ पर मेडिकल दोस्तों हो पा रहा था, क्योंकि दोस्तों मेडिकल का प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा है। मैंने मेडिकल का वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ पर आप देख लीजिएगा मेडिकल में क्या क्या चेक होगा, कैसे कैसे पूरा प्रोसेस सब कुछ वहाँ पर बता रखा हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करते हैं, तो दोस्तों मेडिकल के मैंने स्लिप जमा कर दिया और स्लिप दोस्तों जमा करने के बाद जो 25 तारीख वाले थे उनका दोस्तों मेडिकल हो रहा था 1 मई को। और फ्रेंड्स एक्सी के गाड़ी हम बात करते हैं तो दोस्तों मेरा था आपका 30 मई का। और दोस्तों एक दिन में लगभग वहाँ पर जो डीवी का प्रोसेस हो रहा था वो 40 से 50 कैंडिडेट्स का हो रहा था, लेकिन यहाँ दोस्तों मेडिकल में क्या हो रहा था कि एक दिन में 10 से 20 का केवल हो रहा था। तो इसलिए फ्रेंड्स मुझे जो यहाँ पर जो मेडिकल की मैंने स्लिप जमा करी इसके बेस पर उन्होंने दोस्तों मेरा मेडिकल काफ़ी टाइम दोस्तों लगभग 1-2 घंटे दोस्तों वेट करना पड़ा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे मेरी स्लिप जो है उसमें मोहर कर दिया, एक मोहर लगा दिया और फिर वहाँ पर साइन कर दिया और दोस्तों वहाँ पर डेट डाल दिया 23 मई का दोस्तों डेट डाल दिया और आपका CL नंबर वहाँ पर मेंशन कर दिया, वहाँ पर दोस्तों CL नंबर मेंशन कर दिया। तो फ्रेंड्स CL नंबर मेंशन करने के बाद दोस्तों मुझे बताया गया कि आपका जो मेडिकल का प्रोसेस है वो 23 मई को होगा, तो आपको 23 मई को वहाँ पर प्रेजेंट होना होगा, वहाँ पर जाना होगा। तो फ्रेंड्स मैं वहाँ से वापस, हम दोनों जो है जहाँ से बिलोंग करते थे वहाँ पर अपने घर पर वापस आ चुके थे ताकि कोई दिक्कत ना हो। फिर जब 23 मई को जाना होगा दिल्ली मेडिकल के लिए तो फिर वहाँ पर दोस्तों हम लोग जाएंगे। और दोस्तों क्या क्या मेडिकल का प्रोसेस होता है अगर दोस्तों हम बात करते हैं मेडिकल के प्रोसेस के बारे में, तो वहाँ पर दोस्तों काफ़ी टाइम, एक दिन में मतलब 10 या 20 कैंडिडेट्स का होने का मतलब दोस्तों काफ़ी टाइम लगा था मेडिकल में, इसलिए दोस्तों वहाँ पे कैंडिडेट्स की जो प्रोसेस थी वो काफ़ी स्लो हो चुकी थी। और दोस्तों डीवी का प्रोसेस है वो टोटली ऑफलाइन चेक हो रहा है, कुछ भी ऑनलाइन वहाँ पर नहीं हो रहा है। जो कैंडिडेट्स TCS वाले हैं वो टोटली ऑफलाइन आपका वेरीफाई करेंगे, ऑनलाइन वेरीफिकेशन के लिए वो बाद में जब मेडिकल आपका हो जाएगा पूरा दोस्तों आपके नाम से एक फाइल बन जाएगा, उसी फाइल के दोस्तों बाद
जब आपको फाइल दोस्तों मेंटेन कर दिया जाएगा, वो फाइल आपका RRC में सेंड कर दिया जाएगा और RRC से आपको कॉल आएगा पूरा वेरीफाई करने के बाद, और दोस्तों बताएंगे कि आप सेलेक्ट हुए हैं या नहीं सेलेक्ट हुए हैं। अगर दोस्तों सिलेक्शन आपका होता है तो आपका नाम वहाँ पे आ जाएगा, सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। ये आपका घोषणा पत्र पहले ही जो आप मेडिकल के लिए नहीं DV के लिए जाएंगे वहाँ पर एक फॉर्म मिलेगा जिसको मैंने बताया आपको भरना होगा, उसमें डिक्लेरेशन में आपको पूरा साफ साफ मेंशन कर दिया गया है, उसे आप पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये पूरा प्रोसेस आपका DV और मेडिकल का है जो कि एक ही दिन में ना होकर अलग अलग डेज में रखे गए हैं दिल्ली जोन में। और दोस्तों दिल्ली डिवीजन की बात करता हूँ तो वो आपका चंडीगढ़ जोन में आता है जहाँ पर ये पूरा आपका DV का और मेडिकल का प्रोसेस चल रहा है। इसी तरह से अगर दोस्तों हम अदर डिवीजन की बात करते हैं, अगर जोन की बात करते हैं तो वहाँ भी दोस्तों सेम प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि आपको पता होगा पूरा जो आपका ये एग्जाम CBT का लेकर DV और मेडिकल तक का वो सब दोस्तों TCS को हैंड ओवर कर दिया गया है पूरा करवाने के लिए दोस्तों क्लियर, और ताकि आपका क्लियरली और एक दोस्तों ट्रांसपेरेंसी हो सके पूरे DV के लिए। और दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर जो भी इम्प्लॉई है दोस्तों काफ़ी अच्छा बिहेव करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों। इजीली आप जाइएगा और अपना DV का पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट कीजिएगा। कोई भी दिक्कत होती है तो वहाँ पे इम्प्लॉई दोस्तों इन्फॉर्म कर सकते हैं, पूरी आपकी वहाँ पे हेल्प की जाएगी, कोई भी घबराने की यहाँ पर बात दोस्तों नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका DV का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और मेडिकल दोस्तों आप देख सकते हैं मेडिकल के लिए भी तो डेट मिली हुई है, मेडिकल में दोस्तों क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे मेडिकल होने के बाद। तो फ्रेंड्स ये आपको जो मैंने बताया है ये पूरा दोस्तों टोटली खुद का देखा हुआ है, कोई भी दोस्तों इसमें अपने मन से नहीं बताया मैंने, जो कुछ हुआ वहाँ पे वही आपको यहाँ पे मैंने बताया है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कीजिएगा, जहाँ जहाँ शेयर कीजिएगा, और अगर कोई डाउट है कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। मेरा ईमेल आईडी वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं दोस्तों आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नए अपडेट नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।